थोड़ा फीलिंग आंदा रख ले ध्यान वे करिए नक तू एक एहसान वे ए उम्मीद कद साथ नहीं छटेगा जान बन के तू जान नहीं कटेगा मासूमियत लुट जे गई हासा उठ जू चेरे तो तू यारी तालानी भूगी तेरे तो सांभ भी नहीं होना। हाय एवरीवन, दिस इज मेघा एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बर्थडे के लिए एक न्यू वीडियो प्रोजेक्ट, जिससे कि आप किसी के भी पिक्चर से बर्थडे विशेस के लिए ऐसे वीडियो क्रिएट कर सकते हो। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही आप लोग घंटे के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों से वीडियो क्रिएट नहीं हो पा रही है तो मैं आप लोगों को बनाकर दे सकती हूँ। इसके लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में सारी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अभी इस वीडियो को हम लोग काइन मास्टर पे क्रिएट करेंगे, तो चलिए हम लोग एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। मैं काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लेती हूँ। ये ओपन हो गया है। इसके बाद आपको इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे हम लोग वीडियो की रेशियो को सिलेक्ट कर लेंगे। तो अभी आपको इस 1:1 वाली रेशियो को ले लेनी है। इसके बाद यहाँ से मीडिया पे क्लिक करके आपको वीडियो में जो भी पिक्चर्स को ऐड करनी है उसको आप लोग ऐड कर लेना। तो यहाँ पे मैं पिक्चर्स को ऐड कर लेती हूँ। यहाँ पे हम लोग 8 पिक्चर्स को ऐड कर लेंगे। इन सब में स्टार्ट पोजीशन एंड इन पोजीशन को ऐड करेंगे। तो इस क्रॉप वाले आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे स्टार्ट पोजीशन को रख लेते हैं एंड यहाँ पे एंड पोजीशन को, तो सारे में ऐड कर लेंगे स्टार्ट पोजीशन को एंड एंड पोजीशन को। ओके, एंड इसके बाद इन सब में ट्रांजिशन इफेक्ट को ऐड कर लेंगे। तो क्लासिक ट्रांजिशन इफेक्ट में आ जानी है एंड इसमें जूम आउट वाले इफेक्ट को ऐड कर लेंगे। तो सारे में ऐड कर लेते हैं। ओके, एंड इसके बाद इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट होने के बाद आपको बैक आ जानी है एंड फिर से इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड फिर से 1:1 वाली रेशियो सेलेक्ट करके उसी तरह से एक और वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेनी है 8 पिक्चर ऐड करके। एंड इसके बाद हम लोग ऐड करेंगे 16:9 वाली रेशियो को। तो उस प्रोसेस को आप लोग कर लीजिएगा, मैं अभी रहने देती हूँ। एंड इसके बाद यहाँ से मीडिया पे क्लिक करके फिर से हम लोग पिक्चर्स को ऐड कर लेंगे। 8 पिक्चर्स, 7, 8। ओके, इसके बाद इन सब में भी स्टार्ट पोजीशन एंड एंड पोजीशन को ऐड करेंगे। तो सब में ऐड कर लेते हैं। ओके, इन सब में भी ट्रांजिशन इफेक्ट को ऐड कर लेंगे। तो क्लासिक ट्रांजिशन इफेक्ट में आ जानी है एंड इसमें क्रॉस फेड वाले इफेक्ट को ऐड कर लेते हैं। तो सारे में ऐड कर लेंगे। ओके, इसके बाद इन सारे पिक्चर्स की विग्नेट को ऑन कर लेते हैं। इसके बाद इसमें ब्लर वाले इफेक्ट को ऐड करेंगे। तो इफेक्ट्स में आ जानी है एंड यहाँ ब्लर वाले इफेक्ट को ले लेते हैं। इसको फुल स्क्रीन कर लेंगे एंड सेटिंग्स में आके इसको 4 रख लेंगे एंड इसको भी एंड तक रख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो मैंने वीडियो प्रोजेक्ट को बनाया है इसको मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग इसको वहाँ से डाउनलोड कर लेना एंड इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं एंड इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो इसको स्क्रीन करना है। ओके, एंड इसके बाद हमने जो वीडियो को तब भी एक्सपोर्ट किया उसको हम लोग इसमें ऐड कर लेंगे एंड इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर लेते हैं टेम्पलेट वीडियो को एंड इस वीडियो को इस फ्रेम में रख लेंगे। ओके, एंड इसी तरह से जैसा कि मैंने आपको बोला था कि एक और वीडियो को एक्सपोर्ट करना है, वैसे ही सेम प्रोसेस 8 पिक्चर डाल के। तो एक और वीडियो को ऐड कर लेते हैं एंड फिर से टेम्पलेट वीडियो को ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे एंड इस वीडियो को इस फ्रेम में रख लेंगे।
ओके, इसके बाद यहाँ पे मैंने हार्ट में 4 पिक्चर्स को ऐड किया था, तो पिक्चर को ऐड कर लेते हैं। इसको क्रॉप कर लेंगे, मास्क को एनेबल करेंगे, यहाँ हार्ट वाले शेप को ले लेते हैं। फिर से टेम्पलेट वीडियो को ब्रिंग टू फ्रंट करना है एंड इस पिक्चर को हार्ट में रख लेते हैं। तो मैं अभी एक ही हार्ट में ऐड करके दिखा देती हूँ, आप लोग सारे में ऐड कर लीजिएगा। ओके, इसको क्रॉप कर लेते हैं नीचे से, इसको एंड तक रख लेंगे। एंड जहाँ तक टेम्पलेट वीडियो है वहीं तक रखना है बैकग्राउंड पिक्चर को, इसको लास्ट वाले को डिलीट कर देते हैं। ओके, तो आप लोग चारों हार्ट में ऐड कर लीजिएगा पिक्चर को, मैं अभी रहने देती हूँ। एंड लास्ट यहाँ पे मैंने नेम की टेक्स्ट को ऐड किया था, तो नेम लिख लेते हैं। मैं फ़ोन स्टाइल को रख लेंगे एंड इसको यहाँ पे रख लेते हैं। एंड इसकी कलर को कर लेंगे ब्लैक, इसको एंड तक रख लेते हैं। एंड लास्ट आपको हैंड राइटिंग वाले ऑप्शन पे आना है, इस वाले ब्रश को सेलेक्ट करना है, यहाँ पे वाइट कलर को ले लेनी है एंड यहाँ पे इस वाले साइज को, एंड यहाँ 2 लाइंस को ड्रॉ कर लेते हैं। एंड इसको कर लेंगे ब्लेंड ओवरले। ओके, एंड इसको भी एंड तक रख लेते हैं। तो गाइज आप लोग देख सकते हो ये वीडियो क्रिएट हो गई है एंड सॉन्ग इसमें ऑलरेडी ऐड है। और अगर आप लोग सॉन्ग चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप लोग टेम्पलेट वीडियो की साउंड को ऑफ कर लेना एंड इसके बाद ऑडियो में आके आप अपनी फाइल से कोई भी सॉन्ग इसमें ऐड कर सकते हो। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज़ यार आप लोग जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर लो और साथ ही आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरी न्यू अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरी अदर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उन सबकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ये सारे झोलम झाल से दूर हूँ मैं, इसलिए तो मशहूर हूँ मैं, खाना सही समय पे नहीं खा पाता, मजबूर हूँ मैं, और स्पेशल लाइन फॉर सब फेक रैपर्स, बेटा सुन तुमसे।